पैगंबर साहब के जन्मदिन पर दुर्ग शहर में निकाला गया भव्य जुलूस, जिसमें शामिल मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। साथ ही जुलूस में शामिल जनप्रतिनिधियों ने मुस्लिम समाज के लोगों को दी अपनी शुभकामनाएं। 12 रबी उल अव्वल के पवित्र महीने पर मुस्लिम समाज के पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिवस के अवसर पर गुरुवार को मुस्लिम समाज से दुर्ग सीरत पाक कमेटी के द्वारा जामा मस्जिद से जुलूस निकाली गई, जिसमें दुर्ग शहर के बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। जुलूस ए मोहम्मदी के स्वागत के लिए तकियापारा में अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी द्वारा जुलूस का स्वागत कर परचम कुशाई की रस्म अदा की गई। इस दौरान मौलाना एहतेशाम रजा अजहरी साहब और मौलाना अकमलुद्दीन हैदर साहब सेक्टर 6 मस्जिद इमाम के नेतृत्व में निकाले गए जुलूस का कमेटी द्वारा स्वागत कर देश में खुशहाली की दुआ की गई। साहब के जन्मदिवस के अवसर पर निकाली गई भव्य जुलूस शहर के जामा मस्जिद से निकलकर पूरे शहर का भ्रमण करते वापस जामा मस्जिद पहुंचा। वहीं रास्ते में पुराना बस स्टैंड स्थित अब्दुल रहमान शाह काबुली की दरगाह पर परचम कुशाई की रस्म अदा की गई और मिठाई बांटी गई। इस दौरान जुलूस में मुस्लिम समाज के लोगों को अपनी शुभकामनाएं देने पहुंचे शहर विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल, सभापति राजेश यादव ने तकियापारा में समाज के लोगों से मिलकर अपनी शुभकामनाएं दी। सद्भाव और भाईचारे का त्यौहार है। अभी गणेश जी का पर्व चल रहा है, आज अनंत चतुर्दशी है, आज गणेश जी का विसर्जन भी होना है और जैन समाज का भी कार्यक्रम है जुलूस का। अभी आज जश्ने आमदे रसूल ईद मिलाना दुबी भी है, उसके लिए मैं समस्त शहरवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और कामना करता हूँ कि सबका जीवन खुशहाल हो, सब अपने जीवन में आगे बढ़े, सर्वधर्म संभाव। यह इसी भावना पर हमारा प्रदेश चलता है और हमारा देश भी इसी भावनाओं को मजबूती प्रदान करता है, क्योंकि विभिन्न जाति धर्म और भाषा के लोग एक साथ रहते हैं और सब में एकता सद्भावना भाईचारा बनी रहे, यही प्रार्थना मैं करता हूँ। सबसे पहले मैं समस्त प्रदेशवासियों को, दुर्ग शहरवासियों को गणेश चतुर्थी की, जश्न आमदे रसूल ईद की और जैन दर्शन के पर्युषण पर्व की आज अंतिम दिन है, मैं समस्त प्रदेशवासियों को, शहरवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जो हमारे शहर की परंपरा है आपसी प्रेम सद्भाव, जो कई सालों से चला आ रहा है, उसी प्रेम सद्भाव आपसी भाईचारे को हम सबको बनाए रखना है और मैं सभी के उज्जवल भविष्य की, सुख शांति और समृद्धि की कामना करता हूं, क्योंकि आज ईद का भी त्यौहार है, गणेश चतुर्थी का भी त्यौहार है, सबके घर में खुशहाली का वातावरण बना रहे और समस्त शहरवासी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।